और मेरे पीछे क्या है पता है? आई लव अनिनी। भाई साहब, तो मेरे आगे एक लोकल जा रहे हैं, इनके पीछे आप एक गन देख रहे हो ना, और रास्ता एकदम ना वो टॉप से होकर के वो टावर देख रहे हो ना, वहां से गई है। आराम से उतारो, स्लिप कर रही है, बिल्कुल ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना। बाप रे बाप, ये तो तगड़ी उतरा है। थोड़े गियर को डाउन कर देते हैं, दो नंबर पे जाते हैं भाई। नहीं 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 नहीं, एक नंबर पे ही जाएंगे भाई। नजारे देख रहे हो, कितना ज्यादा सुंदर है। सुबह सुबह का नजारा 6:30 हुई है अभी। अयोध्या का जरा हाल दिखाऊं आपको, पूरा पूरा स्नो है रास्ते में। कल जैसे तैसे मैं पहुंचा, और यहाँ के ना जितने भी ये पहाड़ है ना, ये जो देख रहे हो ना, टोटल स्नो से भरे हुए हैं। मतलब इतना ज्यादा नहीं, बट हाँ ठीक ठाक है। यहाँ भी हल्का फुल्का स्नो गिरा था कल रात को, ये देख पा रहे हो ना। मेरी बाइक में जरा आपको दिखाऊं, ये सीट में भी आपको जरा स्नो दिख रहा होगा। तो अभी ये गर्म पानी से साफ करेंगे, और अपना निकलने का वक्त भी हो रहा है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट देख सकते हैं, रोटी है, सब्जी, सलाद, चटनी और अंडा के साथ यहाँ तैयार की जा रही है और यहाँ बन रही है। चलो तो अब थोड़ा काम कर लेते हैं अपना। ये गर्म पानी सीट में डालने से तभी ना भाई, ये जो आइस है ना, ये निकलेगी पिघल के। तो यहाँ देख रहे हो गाइस, बादल कैसे उड़ रही है, नीचे से खाई से, खाई से टक्करा करके ना ऊपर जा रही है। इस तरफ तो पूरा सफेद हो रखा है पूरा मौसम, और मैं निकल चुका 65 से टुवर्ड्स अनिनी। वेल, तो कैसे याद तुम खिंचाने वाला, फिर से स्वागत है वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है, ये आज मेरी जर्नी जो है अनिनी की है। और भाई यहाँ तो स्नो है, भयंकर, यहाँ तो पूरा स्नो है। सुबह सुबह बाइक चलाने का जो मजा होता है ना भाई, एक राइडर का, और ऊपर से यार सोलो जा रहा हूँ, सोलो जाते हुए मुझे डर लगना चाहिए, बट यार मैं अंदर से ना अलग किस्म से खुश हो रखा हूँ। पता नहीं मुझे किस बात की खुशी है, पता नहीं मैं अंदर से क्यों इतना हंसता हूँ, इतना खिल क्यों रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ओहो, मंदिर मंदिर भाई, ये इंपॉर्टेंट है यार। हर हर महादेव, है महादेव, आज की जर्नी कुशलमय, मंगलमय, सफलतापूर्वक हो बस। जय महादेव। सारे कमेंट में एक बार महादेव के लिए लिख दो यार, हर हर महादेव, जय महादेव। ओहो, द सीन मैन, द मार्वेलस, The marvelous one, guys. तो guys, ये देख सकते हो हुनली विलेज। तो ये देख रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा प्यारा सीन है हुनली विलेज का। और नीचे से रास्ता देखो कैसे गई है। बाप रे बाप, ये तो तगड़ी उतरा है। थोड़े गियर को डाउन कर देते हैं, दो नंबर पे जाते हैं भाई। नहीं 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 नहीं, एक नंबर पे ही जाएंगे भाई, दो नंबर पे कंट्रोल नहीं होगी। यहाँ पर ब्रेक एकदम बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी है। अच्छा, उतर गई। ये खड़ी चढ़ाई है भैया, अगला जाना जाता है। जाओ भैया, तुम जाओ, टाटा के योद्धा। चलो भैया, इस चढ़ाई से अभी चढ़ाते हैं। तो मेरे आगे एक लोकल जा रहे हैं, इनके पीछे आप एक गन देख रहे हो ना, ये शायद एयर गन होगा या फिर कुछ तो होगा, पता नहीं कौन सा गन है। मैंने मतलब टूटिंग में भी देखा है लोगों को इस टाइप के गन को होल्ड करते हुए, तो पता नहीं ये कौन सा गन है। बहुत खड़ी उतराई देख पा रहा हूँ मैं यहाँ से ना, एक तगड़ी खड़ी उतराई है। ये देखो भाई साहब, पूरी खतरनाक जगह भाई, एक नंबर पे डाल दो, आराम से उतारो,
स्लिप कर रही है, बिल्कुल ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना। ओके भाई साहब, कैसे कैसे जगह है यार। और रास्ता एकदम ना वो टॉप से होकर के, वो टावर देख रहे हो ना, वहां से गई है चढ़ाई है, मतलब फर्स्ट ब्रिज। और नीचे भाई इतनी प्यारी रिवर बह के जा रही है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर, बहुत ही ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा सुंदर सीन है नीचे का। एक ड्रोन होता ना तो कसम से यार ऐसे ऐसे सीन में ले पाता ना, क्या बताऊं मैं आपको। खैर निकलते हैं। बाप रे बाप, पूरी ऑफ रोड में भाई चढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ती है भाई। ओ भाई साहब, Anyone 110, Italian 60, Arzu 31, Rialy 20 kilometers। तो ज्यादा देर नहीं करते भाई, निकलते हैं। अच्छा रास्ता मिल गया, इतनी देर काफी टाइम, इतने बुरे रास्ते में चलाने के बाद इतना बढ़िया रास्ता मिला है। और इस रास्ते में भी ना पत्थर गिरते हैं, देख रहे हो ऊपर से, रिस्की तो भाई ये भी है यार। काफी टाइम हमने अपना टाइम नुकसान कर दिया छोटे रास्ते में चला करके, और अब हम करेंगे स्पीड मेंटेन इस हाईवे में, हल्का ज्यादा नहीं, ठीक ठाक स्पीड मेंटेन करेंगे। अनिनी अनिनी, ये रास्ता ना, ये हाईवे इतना ही बस खत्म, ये बड़ा रास्ता इतना ही। मेरे को पता था भाई धोखा होगा बोल करके, देख रहे हो हाईवे बस उतना ही था भयंकर। भाई साहब क्या उतराई है, भयंकर भाई, पूरी तगड़ी टाइप की उतराई है वे। ओ बाप बाप, ब्रिज को क्रॉस करते एकदम खतरनाक चढ़ाई, ऐसे टाइम में अगर ऊपर से गाड़ी आती है ना फिर तो वो खत्म भाई, फिर तो कुछ कह नहीं सकते यार, कुछ भी हो सकता है यार, मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हॉर्न दबाता हूँ ताकि ऊपर से आ रही गाड़ी होती है ना वो सतर्क हो जाए थोड़ी सी। ओ भाई हाईवे फिर यहाँ है, थोड़ा सा हाईवे है, थोड़ा टूटा हुआ है, फिर थोड़ा हाईवे, फिर थोड़ा टूटा हुआ, तो ऐसे कर करके ना पूरा रास्ता जो है ना बना हुआ है। तो जैसे हाईवे मिलता है भैया थोड़ा स्पीड मेंटेन कर लो, वरना अनिनी पहुंचते पहुंचते 3 बज जाएंगे। ओ हो, यहाँ पर दो पहाड़ों को ना बीच से काट करके बहुत मस्त तरीके से बनाया गया है भाई, इस जगह पे तो डेफिनेटली रुकना है एक बार। चढ़ाई भाई साहब, मैंने तो कुछ रास्ता कवर ही नहीं किया, अभी तो और जाना है। अनिनी 100 किलोमीटर, एटलिन 50, रियाली 10। तो रियाली पर जाकर के कुछ खाना पड़ेगा यार, हल्की हल्की से ना भूख सी लग रही है, सुबह 7 बजे मैंने कुछ खाया था और अभी वक्त दिखाऊं तो 11:24 हुए हैं, मैं कुछ बिस्किट विस्कुट खा लूंगा, मुझे इतना ज्यादा भी भूख नहीं है, एकदम अनिनी में जाके मैं पूरा लंच करने वाला हूँ। तो अभी जो है ना आप थोड़ा इन सीन इन नज़ारों को ना थोड़ा भरपूर आनंद उठाओ यार, मजे लो यार, एक फोटो तो बनता है।
गाइस मुझे मौसम देख करके लग रहा है कि अनिनी में तगड़ी बारिश हो रही है। अनिनी इस तरफ है, वहां मतलब पहाड़ों में ना पूरी काली बादल मंडरा रही है। इधर भी आप मेरे ऊपर देख पा रहे होगे, एकदम से ना मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तो देखते हैं, बारिश वारिश आ गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाऊंगा मैं। आई साहब एक सीन दिखाऊं मैं आपको जरा, क्या व्यू है गाइस, क्या ही व्यू है। पूरा जो है ना पहाड़ में देख सकते हो बादल छाए हुए हैं, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। नीचे से रिवर बह के जा रही है और वहां लोगों के घर हैं, विलेज ऐसे स्लोप में बना हुआ, बहुत ही ज्यादा प्यारा। और रास्ता ऐसे जाकर के घूम करके ना उसी विलेज के सामने से होकर के आगे से निकला है, तो वहीं कहीं पर दुकान में मैं कुछ खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट निकलते हैं ऐसे, चलो आरजू। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं आरजू, और जो मैं दिखा रहा था ना विलेज वो यही है आरजू विलेज। तो अभी बच चुके हैं 12, टोटल 12, और ऐसा मौसम हुआ है ना भयंकर, और 2-3 घंटे के बाद पूरा अंधेरा छा जाएगा। तो आरजू में देखते हैं, कहीं अगर शॉप वॉप खुला रहेगा ना तो कुछ खा लेंगे, अगर नहीं तो यार अनिनी पे जाकर ही कुछ खाना होगा। और यहाँ लिखा हुआ है अनिनी 88 किलोमीटर, एटालिन 34 किलोमीटर। सुबह 65 से निकलने से पहले मैंने देखा था अनिनी 11 बजे के बाद टोटल 6 बजे तक ना कंटिन्यूस बारिश है, तो कुछ कह ही नहीं सकते यार बारिश होगा नहीं होगा। अच्छा तो यहाँ से डिवर्जन है, भयंकर छोटा वाला रास्ता लेना पड़ गया फिर से, क्या करूं क्या करूं। अनिनी दिस वे, ओके। इतना मस्त हाईवे में चला रहा था, ऊपर शायद हाईवे होता होगा, ऊपर दिख तो रहा है, बारिश गिर रही है भाई, हल्की हल्की बूंदी ना। आज तो भैया बैंड बज जाएगी, 12:13 हो चुके हैं और मेरा भी हालत 12:13 हो चुका है। ओ ओ ओ ओ ओ, आराम से उतरो भैया। मंदिर मंदिर, ओम नमः शिवाय। मंदिर जब दिखती है ना भयंकर, अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है ना, मेरी पूरी पॉजिटिव वाइब जो है ना एकदम से निकल के आती है। और रिवर क्रॉस करते ही फिर से चढ़ाई, बाप रे बाप, रास्ता देख रहे हो ना, शायद अनिनी के आसपास ना बर्फबारी हो रही होगी, कुछ तो हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा ठंड जो है ना महसूस हो रही है मुझे अभी। इतना मस्त हाईवे में चला रहा था, सोचा था कि भाई 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, फिर से गूगल ने 2 घंटा दिखा दिया मेरे को। इस स्पीड से तो मैं 3 घंटे में भी नहीं पहुंचूंगा भाई। हाँ भाई आगे से फिर से हाईवे है, हाँ अच्छा हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। जैसे हाईवे मिला ना बहुत राहत की सांस ली मैंने। अनिले भाई किधर, लिखा भी नहीं अनिनी कौन सा है क्या, अनिले तो लिखा है, अभी भी अनिनी मेरे से बहुत ज्यादा दूर है। तो मैं कहा मैं आऊ, अच्छा मुझे इसी रास्ते से जाना है हाईवे से, अनिले जाना है ना तो यहाँ से जा सकते हो। अनिले कौन सा है, कोई से एक जगह है एग्जैक्टली, विलेज होता होगा जैसे हुनले है ना उस टाइप का अनिले। और यहाँ पर ना एग्जैक्टली सारे प्लेसेस को जो नाम है ना एकदम से मिलते जुलते हैं, अनिले हो गया, हुनले हो गया, अनिनी हो गया, मतलब नाम जो है ना पूरा मिल जाता है एग्जैक्टली ना। तो एक व्यू पॉइंट पे रुका हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि अनिले और अनिनी का जो हाईवे है ना एग्जैक्टली, अनिले आपको नहीं जाना, इस पहाड़ के पीछे अनिले है, वो दूसरा जगह है, अनिली बोलते हैं उसे एग्जैक्टली, अनिले बोल दिया मैंने। तो अनिनी जाना है तो सीधा हाईवे पकड़ के आपको जाना, इधर उधर नहीं जाना। तो हाईवे टू हाईवे आप अनिनी पहुंच जाओगे, एकदम अनिनी तक ना पूरा हाईवे बताया अभी जस्ट एक मतलब बंदे से मैंने पूछा। और रास्ता देख सकते हो, देख रहे हो ना रास्ता बीच में खराब है, तो इसी रास्ते से होते हुए मैं अनिनी जाऊंगा इस वाले मोड़ से, जरा जूम करके आपको दिखाऊं, इस रास्ते से होते हुए मैं जाऊंगा इस मोड़ से अनिनी। और मौसम देखो इधर भयंकर, पूरा बारिश वाला मौसम हो रखा है, देख रहे हो ना ऊपर क्या खतरनाक बारिश हो रही है। तो भाई बारिश आ रही है, मैं क्या करूं, गोप्रो को थोड़ा ऑफ कर देते हैं, आगे जहां से बारिश थोड़ी थम जाती है ना वहां मोटो व्लॉगिंग करेंगे, अगर अच्छा सीन मिलेगा तो डेफिनेटली दिखाऊंगा ही, बाकी रिस्क नहीं लेना, कुछ भी हो सकता है। गोप्रो गया तो फिर यार मोटो व्लॉगिंग खत्म ही समझो आप। बाकी गोप्रो को पैक करते हैं, डालते हैं, इस फोन को भी निकालते हैं यहाँ से और निकलते हैं। अभी जस्ट एक वाटरफॉल देख के आया, वो बस बगल में ही था, उसके बाद ही भाई ये दूसरा वाटरफॉल यहाँ देख रहे हो ना, ये दूसरा वाटरफॉल, ये रहा तीसरा हल्का सा छोटा, और ये रहा चौथा, एक ही साथ 4-4 वाटरफॉल। भाई तगड़ी बारिश आ रही है, निकलते फटाफट भाई, काफी ज्यादा भीग गए और मेरे ये ग्लव्स अंदर इसके पानी चले गए ना फिर तो बैंड बजा देगी ये, निकलते हैं।
अंदर पूरे जूते के अंदर ना पानी जा चुकी है, यहाँ पूरा पैंट भीग चुका है, जैकेट वैकेट सब कुछ भीग चुका है। इस जैकेट के अंदर एक और जैकेट है, विंड चीटर, उसके अंदर एक स्वेटर है, उसके अंदर एक इनर है, फिर एक टी शर्ट है, वो सब भी भीग चुके हैं। बट थैंकफुली पहुंच चुका हूँ अनिनी का व्यू पॉइंट। बस यहाँ से जाते ना अनिनी हार्डली 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा, और यहाँ से नजारे कुछ ऐसे आते हैं। गाइस आई लव अनिनी, बॉयस हाउ हेवन हेवन हेवन, दिस इज हेवन गाइस, अनिनी हेवन से कम नहीं है। अपनी स्कॉर्पियन, ये रही अपनी स्कॉर्पियन खड़ी, भाई क्या परफॉर्मेंस दिया इसने। मां कसम से जो भी N160 के बारे में खराब बात बोलते हैं ना कमेंट में, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। भाई एक बार चलाओ यार, जिसने चलाई है ना उसको पता है भाई N160 कैसी है, मेरे को पूछो भाई, मैं जेन्युइनली बताता हूँ भाई, N160 एक नंबर की बाइक है, बस तुम हैंडल चेंज कर दो उसके बाद लद्दाख भी लेके जा सकते हो, गारंटी दे रहा हूं मैं। और मेरे पीछे क्या है पता है, आई लव अनिनी, I love Anini. और भाई अनिनी आते हुए बीच में इतने सारे इतने प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स थे ना, मां कसम बारिश के लिए सब कुछ मिस करना पड़ा, पूरा खत्म यार। मैंने सोचा था पूरा मोटो व्लॉगिंग करके आऊंगा, इतना प्यारा इतने शानदार नजारों को ना कैप्चर कर पाऊंगा बोल करके सोचा था, बट खैर यार नहीं हो पाया, कसम से नहीं हो पाया बिल्कुल। कोई बात नहीं, जाते हुए जरूर से सारे वाटरफॉल्स को कैप्चर करेंगे, रुक रुक के एक एक वाटरफॉल के सिनेमेटिक लेंगे, आप सबको दिखाना जरूरी है। तो जाते हुए फटाफट एक रूम बुक करते हैं, इसके बाद आगे की बात जो होगी ना वही जाके करेंगे। चलो देख रहे हो पैर का हालत खत्म हो चुका है, भीग करके पूरा पानी, शॉक्स के अंदर ना देख रहे पानी कितना जमा पड़ा है। कंटिन्यूअस 3 घंटे तक पानी में भीगा मैं, और मेरा पहले तो मैं बता दूं जूतों का तो आपने हालत देख ही लिया, और यहाँ पर ये भी थोड़ा बहुत भीगा हुआ है, ये तो खैर चल जाएगा काम, ये भी भीगी तो हुए हैं, ये भी ये हल्का फुल्का भीगा हुआ है, ये टी शर्ट बहुत काफी हद तक भीगा हुआ है, पैंट का हालत निचला हिस्सा सबसे ज्यादा खराब है, ये जैकेट भीगा हुआ है काफी हद तक, बैग के अंदर के जितने भी सामान है वो सेफ है, और ये जैकेट बहुत गंदी तरीके से भीगा हुआ है, पूरा भीगा हुआ है भाई, पूरा पानी को ना इसने चूस के रखा हुआ है। तो बस ये जितने भी कपड़े हैं आज रात भर मुझे जैसे भी वो सुखाना है, और कल मेरे को अच्छे से निकलना है, अच्छे से वेली होके ही मैं आपको चीगो गेम दिखा पाऊंगा, माओ अंदो वाटरफॉल दिखा पाऊंगा, मातू वाटरफॉल दिखा पाऊंगा, और मैं कहाँ रुका पता है, अच्छे से जाने वाले रास्ते के एकदम सामने। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये रास्ता जाता है अच्छे से, और इसके ठीक तीरा है मैं, यहाँ पर ये होटल है, इसी होटल में मैं रुका। मैंने तो प्लान किया कि स्टे 2 दिन का हो, और इस 2 दिन के स्टे में देखते हैं क्या क्या कवर कर पाते हैं। रोइंग के बाद अनिनी में ही सिर्फ आपको पेट्रोल पंप मिलने वाला है, इसलिए रोइंग में फुल टैंक भरा के आना, और सीधा अनिनी में आपको पेट्रोल मिलेगा। एक ड्रोन होती ना तो आपको मैं ऐसे ऐसे सीन दिखाता ना, कसम से बता रहा हूँ, देख करके पागल हो जाते हैं। अनिनी आते हुए भी इतने प्यारे प्यारे सीन है ना, क्या बताऊं। अब जाते हुए जहां तक हो सकेगा कवर करेंगे, अगर जाते हुए भी बारिश हुई तो फिर से सत्यानाश हो जाएगा। तो बस गाइस वीडियो में एंड करते हैं, बहुत ज्यादा बातें कर लिया, तो बताना इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने चारों ओर साफ सफाई रखिए, और अपना ख्याल जरूर रखिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और अभी मैं वीडियो एंड करके बाहर निकल के देखता हूं तो भाई बारिश आ रही है, देख रहे हो कुछ ऐसा हाल है नीनी का, बारिश आ रही है भाई।